बहुत से पेशेंट्स जिन्हें डिटॉक्स कहा जाता है तो उसमें पर्पजेस अलग अलग रहते हैं। जैसे किसी को वेट लॉस करना है, किसी को डायबिटीज़ के ऊपर काम करना है, आयुर्वेद में जिसे संतर्पण जन्य व्याधियाँ कहा जाता है। तो ये संतर्पण जन्य व्याधियों में शरीर में अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से अपनी मेद धातु जम जाती है। जैसे किसी को शोल्डर्स में है, किसी को चेस्ट में है, किसी को पेट में है, किसी को नितंब, किसी को थाइज में, किसी को और कहीं। तो ये सब जो भी फैट डिपोजिशन है, इसे अगर आपको रोलिंग करना है तो सबसे जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को देखने को मिलता है वो है पेट के ऊपर। तो ये पेट के ऊपर जब भी आपको ऐसे चर्बी या मेद धातु या वहाँ पे शरीर स्टोर करने लगता है तो उसे अगर शरीर से हटाना है तो एक तरफ तो हम लोग डिटॉक्स तो करते हैं, लेकिन उसके साथ में कुछ इसके एक्सरसाइजेस है जो हमें पेट की तरफ सर्कुलेशन लाने में मदद करते हैं। सर्कुलेशन अगर पेट की तरफ आ जाता है और वहाँ पे अगर डाइजेशन और उसके साथ में हम लोग एक्सरसाइज जो करते हैं तो उससे वहाँ की चर्बी जो है उसे पिघलाने में और उसे यूटिलाइजेशन में, वहाँ के सेल्स को हम लोग कम करने में काम कर सकते हैं। इसमें क्या करना है कि एक तो है कि सांस छोड़ के आपको पेट को अंदर बाहर करना है, जिसे हम लोग परिवर्तित अग्निसार कहते हैं। पेट को अंदर बाहर करना है सांस को छोड़े हुए, ये आप 4 या 5 राउंड्स कर सकते हो। हर बार 15 से 20 बार पेट को अंदर बाहर करना है। इसके बाद में सांस को बाहर छोड़े हुए पेट को जितना हो सकता है उतना अंदर खींच के उसे अंदर रखने की कोशिश करनी है। ये हो गया परिवर्तित उड्डयन। उसके बाद में हम लोग कहते हैं कि इसी के साथ में आपको सांस को बाहर रोकना है, जिसे हम लोग कहते हैं कि बहिकुंभक। तो बहिकुंभक में आपके शरीर में जितना भी सर्कुलेशन है वो सर्कुलेशन पूरा का पूरा आपके शरीर को जहाँ पे भी कुछ भी जम जाता है उसे रीसर्कुलेशन और उसे हजम करने के लिए काम में आता है। और उसी के साथ में ये कैपेसिटीज़ बढ़ाता है, जैसे आपकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ानी है, हार्ट की कैपेसिटी बढ़ानी है, ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ानी है, हाइपोक्सिया कंडीशंस में आपको ठीक से रहने के लिए, तो उसमें आपको ये बहिकुंभक यानी सांस को बाहर छोड़ के, बाहर रोक के ज़्यादा से ज़्यादा देर तक रुकना है। तो ये आप 5 से लेके 20 तक राउंड्स आप कर सकते हो। अगर आपको इसका ज़्यादा फायदा चाहिए तो ये आपको रेगुलर बेस पे दिन में 2 बार खाली पेट, 4 बार ज़्यादा से ज़्यादा, तो ऐसे आपको करना है कि जिससे आपको ये रेगुलर प्राणायाम का लाभ मिल सकता है। इसी के साथ में हम लोग अंतकुंभक यानी सांस को अंदर रोके रखना है, तो इसके लिए भी पहले पेट को दबा के सांस बाहर निकालनी है और उसके बाद में सांस अंदर लेके उसे रोकना है। कहाँ तक रोकना है? जहाँ तक आप रोक सकते हो। इससे आपका शरीर का पोषण, हीलिंग ज़्यादा अच्छा होता है। जब भी सेल्युलर डैमेज हो, जब भी आपके शरीर के ऊपर किसी भी कारण की वजह से एग्जॉशन आ गया हो तो उसे आपको ठीक करना है तो आपको इसे सांस को अंदर रखना है। और ये अंदर रखने की प्रक्रिया को बोलते हैं अंतकुंभक। और ये कहाँ तक करना है? जहाँ तक आपकी कैपेसिटी है उससे थोड़ा सा ज़्यादा। तो प्राणायाम आपको करना है बहिकुंभक और अंतकुंभक, उसमें से भी डिटॉक्स के साथ में आपको ज़्यादा बहिकुंभक करना है। इसके साथ में हम लोग और एक क्रिया करने के लिए बोलते हैं कि जिसे कहा जाता है कपालभाति। तो कपालभाति में आपको सांस को रोकना नहीं है, सांस को जैसे भी पेट को दबा के आपको बाहर निकालना है, तो सांस लेना है, पेट को दबा के बाहर निकालना है। ये क्रिया कपालभाति कहलाती है कि जिसमें आपको बार बार पेट को स्ट्रोक दे के अंदर धकेलना है, ऐसे थोड़ी सी पेट की हलचल जैसे आप करते जाते हो तो उसके साथ में आवाज़ भी आती है। तो कपालभाति में या तो आवाज़ आएगी किसी की नहीं आएगी, फर्क नहीं आता। कम से कम 60 बार, तो एक बार आपने शुरू किया तो 60 बार तो आपको ये सांस को बाहर छोड़ते वक्त पेट को हमें कंटिन्यूस स्ट्रोक देने हैं। तो पेट के स्ट्रोक से वो डायफ्राम के ऊपर आ जाते हैं और उससे सांस बाहर फेंकी जाती है। लंग्स को पूरा खाली किया जाता है जब भी आप कपालभाति करते हो, तो आपके लंग्स की जो भी डेड स्पेसेस है तो वहाँ से वो पूरी सांस निकलते में आपके शरीर को ऑक्सीजनेशन भी अच्छा होने लगता है। और जब ऐसे यहाँ पे हम लोग पेट को
स्ट्रोक देके क्रिया करते हैं तो पेट के ऊपर जो भी जम गई है चर्बी उसे भी निकालने के काम में ये कपालभाति आती है। कपालभाति का योग में बहुत अच्छा वर्णन है, तो उसे भी हमें ये डिटॉक्स प्रोग्राम के साथ में जोड़ के अपना पर्पस जो है कि शरीर से जितने भी टॉक्सिन्स है, जो भी हमारे शरीर में अननेसेसरी स्टोरेज हमने इतने सालों से किया रखा है, तो उसे बाहर निकालना है, तो ये कपालभाति भी ज़रूरी है। तो हम लोग कह सकते हैं कि आपको पूरे शरीर के एक्सरसाइजेस उसी के साथ में पेट के एक्सरसाइजेस ये अगर करते हो तो वी कैन अचीव आवर टारगेट इन स्मॉलर टाइम। इसके साथ में आपको सिर्फ कंटिन्यूसली डिटर्मिनेशन और डिसिप्लिन की ज़रूरत है, खुद को हमेशा चौकन्ना रखना है, और इसके साथ में हर दिन हमें करने के बाद में जो भी आनंद मिलना चाहिए वो आनंद मिलता है तो अच्छी बात है। अगर कुछ भी इसमें कठिनाई हो तो ज़रूर हमसे संपर्क कीजिए, आपके पास हमारे नंबर्स तो है। तो आपको ये प्राणायाम से लेके सांस की जो भी अभी हमने एक्सरसाइज आपको बताई है, तो ये सब एक्सरसाइज करने के लिए शुभकामनाएं।